नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं सारा राय की कहानी संकलन नबीला और अन्य कहानियां इसके साथ उपस्थित हूं। सारा राय एक उम्दा अनुवादक, रचनाकार, कथाकार हैं। समकालीन हिंदी साहित्य में उनकी अपनी एक पहचान है। 15 सितंबर 1956 को उनका जन्म हुआ। अबाबिल की उड़ान, बियाबान में और भूल भुलैया और अन्य कहानियाँ, ये उनके 3 कहानी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। एक उपन्यास चील वाली कोठी इस नाम से प्रकाशित हुआ है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कई किताबों के अनुवाद और उन्होंने संपादन किया है। उनके अनुदित और संपादित पुस्तकों में कजाकी एंड अदर मार्वेलस टेल्स, ये प्रेमचंद की पुस्तक है। हिंदी हैंडपिक फिक्शंस, द गोल्डन वेस्ट चेन, ये भी पुस्तक शामिल है। शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में और कथा संग्रह कौमुदी का भी इन्होंने संपादन किया है। ये कई अन्य लोगों के साथ मिलके भी इन्होंने कई पुस्तकें की हैं और लिखी हैं, संपादित की हैं, अनुदित की हैं और कई पुरस्कार अनुवाद के चलते हासिल कर चुकी हैं। यह कहानी संकलन उनके शिल्प का, उनके भाषा शिल्प का, उनकी लेखन शैली का और व्यक्तियों की जगह किस तरह से घटनाओं और व्यक्ति और घटनाओं के बीच का जो समय है उस पर लिखी हुई कहानी है। ये किसी भी घटना को इतनी बारीकी से देखती हैं कि उसे, उस घटना को एक जीवित इकाई के रूप में बदल देती हैं। इसीलिए इनकी कहानी के पात्र पात्र न हो के एक चलचित्र की तरह से आपके सामने आते हैं। बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं और एक बड़े विशाल फलक पे वे कहानियां लिखती हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना पर भी इस तरह से बुन देती हैं उसको कि पाठक बधा रह जाता है। इस संकलन में जो कहानियां शामिल हैं उनके नाम हैं अताकामा, सीमा रेखा, दूसरा, परिणय, सिलसिला, प्यार, हाथ पढ़ने वालों का एक ख्वाब, अक्स, लोखंडवाला का हेमलेट, मागुर, तितली पकड़ना, सफर, कम बोलने वाले भाई, गोल्डन एनिवर्सरी, नबीला, हमाम दस्ता, मुजरिम फरार और एक बड़ा ही उम्दा संस्मरण उनका है, अम्मी। ये अब आताकामा की जो कहानी है, आप ये समझिए कि चिली का आताकामा पृथ्वी का शायद सबसे पुराना रेगिस्तान है और सबसे सूखा है। यहाँ पानी नहीं बरसता, मगर बरसों में एक बार जब यहाँ बारिश हो जाती है तो चटियल रेगिस्तान फूलों से फट पड़ता है। इस भूमिका के साथ उन्होंने शुरुआत की है। एक दीवाल है, दीवाल पर एक चींटा जो चढ़ रहा है उसका जिक्र किया है। उस चूंटे को लेकर, उस दीवाल पर चढ़ने की उसकी कोशिश को लेकर, उस दीवार का क्या परिदृश्य है, किस तरह से उस दीवार पर चूंटा चढ़ने की कोशिश करता है, उसको वो चिली के अताकामा से जोड़ती हैं। उसके संघर्ष को इस रूप में दर्ज करती हैं कि वह व्यक्ति के जीवन संघर्ष के रूप में बदल जाता है। काला चींटा, सफ़ेद दीवार, उसको अताकामा से जोड़ने का यह शौर्य वह खुद अपने आप में इस रूप में लिखी हैं कि आप इसे पढ़ते हुए उनकी भाषा शैली के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकते। इसी तरह से मागुर एक कहानी है। मागुर एक मछली है, मछली खरीदने गई होती हैं। उस मछली खरीदने की कोशिश में जो मछलियाँ टब में रहती हैं, वो टब में किस रूप में रहती हैं, उनको देखते हुए इनके दिमाग में क्या क्या आता है, मछलियों के प्रादुर्भाव से लेके उनकी उत्पत्ति से लेके उनकी कोशिश और उनके संघर्ष से लेकर, और फिर किस तरह से वो मछली, बड़ी वाली मछली उछल के उसके बाहर चली जाती है और फिर उसे पकड़ के जब लड़का लेकर आता है और उसको देखते हुए उसके रंग, उसके रूप, उसके जीवन की कोशिश, और जब वे उसको लाकर घर में बनाती हैं, उसको बनाने की शैली है। यह इस पर एक कहानी है।
इनकी कहानियों में मतलब इतनी छोटी घटनाओं पे भी जिस तरह से वो अपने कथा जगत को बुनती हैं वह अपने आप में एक अद्भुत है। इनको पढ़ते हुए गीतांजलि श्री की रेत समाधि जिस तरह से उसकी भाषा शिल्प और विन्यास को लेकर अभी बार बार बात हो रही है वह आपको याद आएगी कि सारा राय की भी जो भाषा शैली है वह अपने आप में कहीं न कहीं गीतांजलि श्री से मिलती जुलती है या उनसे अलग हो के भी कहीं न कहीं उनके साथ चलती है। एक संस्मरण है अम्मी जिनके यहाँ जो इनकी एक तरह से नानी है उनके यहाँ जाते हुए बच्चों के दिमाग में किस तरह का वातावरण होता है। बनारस में वो रह रही होती हैं वहाँ उनकी हवेली है जहाँ पे शिया मुस्लिम होते हुए भी रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए न केवल उन्होंने नागरी सीखी थी बल्कि उस उम्र में किस तरह से मुस्लिम समाज रह रहा था बुर्का के बीच में किस तरह से समरसता वाला दौर था बनारस की गलियों में बनारस का माहौल क्या था वहाँ की सभ्यता और संस्कृति क्या थी। 60 के दशक में जब दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था भारत हार गया था नेहरू जी की मृत्यु 2 साल बाद हो गई थी अमेरिका और वियतनाम युद्ध खत्म होने को नहीं आ रहा था मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो गई थी लेकिन इलाहाबाद और बनारस का जो माहौल है वह कुछ भी नहीं बदलता है। किस तरह से वो चादर गांव वाले तकिए के तख्त पर बैठती हैं पानदान रखा होता है किस तरह से उनका समाज और किस तरह से उस दौर की शायरी किताबें अलिफ लैला के किस्से अल्ले बल्ले फत्ते चिड़िया तोता मैना की कहानी बहेलिया चिड़वा चिड़िया शहजादे शहजादियों के किस्से ये बच्चे सुनते रहते हैं पूरा वह माहौल इन्होंने अम्मी संस्मरण में लिख दिया है। कहने के लिए ये संस्मरण है लेकिन इसको पढ़ते हुए आपको हर हाल में किसी कहानी से किसी उपन्यास से ज़्यादा आनंद आएगा। और खास बात यह है कि आखिरी समय में किस तरह से अम्मी चिनिया बादाम जिसको मूँगफली को चिनिया बादाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं वह बिस्तर पर रहते हुए जब उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है वो अपने डॉक्टर को कहती हैं डॉक्टर साहब क्या मैं चिनिया बादाम नहीं खा सकती और डॉक्टर बहुत ताज्जुब में होता है कि जब ऐसी स्थिति में ये बिस्तर पर पड़ी हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं तब ये कह रही हैं रामकृष्ण मिशन अस्पताल में कि मुझे जो है डॉक्टर साहब चिनिया बादाम खाना है वह नहीं खाती हैं और बिना खाए हुए वह किस तरह से निकल जाती हैं। सारा राय की ये कहानियाँ बहुत ही अलग शैली में लिखी गई हैं उम्दा शिल्प है इनका भाषा की तारीफ करनी होगी कथाओं को प्रस्तुत करने की विधा की तारीफ करनी होगी और ख़ास बात यह कि इन कहानियों में बच्चों का आश्चर्य बड़ों की प्रौढ़ों की उदासियाँ वृद्धों का अकेलापन दुख मध्य वर्ग का उथलापन अभाव से जूझते लोगों की संघर्ष गाथा और उस गाथा के बीच उनके भीतर छिपा हुआ सन्नाटा विस्थापन घर आंगन बूढ़े होते स्त्री पुरुष और पेड़ों के अलावा उपेक्षित बेलें जीव जंतु और प्रकृति इन सब की छवियाँ इन कहानियों में आपको दिखेंगी। अगर आप अच्छी कहानियों को अच्छे भाषा शिल्प को और एक अलग तरह की कहानियों में रुचि रखते हैं तो नबीला और अन्य कहानियाँ खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजकमल पेपरबैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है इसका मूल्य है 199 रुपये और पृष्ठ संख्या है 160। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के बारे में न केवल जानकारी मिले बल्कि उनको चुनने में आसानी हो। किताबें आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं आपको विद्वान बनाती हैं दुनिया भर की जानकारी देती हैं आपका मनोरंजन करती हैं साथ ही आपको और व्यापक दृष्टिकोण देती हैं। इसलिए किताबें पढ़ते रहें हमारा कार्यक्रम देखते रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।